दलितों को, मजदूरों को, किसानों को, महिलाओं को कुचलने का काम इन्होंने किया है। संविधान के उच्च पद पे बैठते हैं ऐसे लोग कहते हैं कि मैं एक फलाना जाति का आदमी हूँ, इसीलिए मुझे इंसल्ट कर रहे हैं। आप जात पात की बात अंदर करते हो और जात पात पे चलने की बात करते हो। अगर आपकी हालत यही है तो मेरे जैसे दलित की हालत क्या होगी? इस देश के डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए ही 146 एमपीज को इन्होंने बाहर निकाला। आज मोदी जी हर एक उधर, मोदी साहब आप कितनी भी कोशिश करो हमको मिट्टी में दबाने की, हम बींज है, बार बार उठने की आदत है। सब लोग एक होते हैं तब अकेला मोदी कुछ नहीं कर सकता। मोदी जी को इतना घमंड आया है, इलेक्शन से पहले ही कहते हैं कि 400 सीट जीतेंगे। जो जनता आपको सत्ता में बिठाई है वो जानती है कि आपको सत्ता से कैसा बाहर निकालना, नीचे गिराना। ये इंडिया अलायंस क्यों बना? इंडिया अलायंस इसलिए बना, जो मोदी जी, शाह, इन्होंने डेमोक्रेसी को खत्म करने का एक बीड़ा उठाया है। देश के संविधान को खत्म करने का इन्होंने बीड़ा उठाया है। दलितों को, मजदूरों को, किसानों को, महिलाओं को कुचलने का काम इन्होंने किया है और अभी भी कर रहे हैं। इस देश के डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए ही 146 एमपीज को इन्होंने बाहर निकाला। कोई कुछ नहीं बोला। हमारे राम गोपाल यादव जी यहाँ नहीं है, उन्होंने बहुत दूर बैठे थे। ऐसे कहीं जो 147 एमपीज में दूर दूर बैठे थे, मुंह भी नहीं खोले थे, बोलने का बात उनको समय भी नहीं मिला, लेकिन उसको सस्पेंड किया गया। सस्पेंड करने के बाद हमने बाहर सभी मिलके गांधी स्टैचू के पास सत्याग्रह किया, धरना किया। तब जो हमारे सदन में सरकार के तरफ से ये आता है, मुझे बहुत धक्का लगा कि एक संविधान के उच्च पद पे बैठते हैं ऐसे लोग कहते हैं कि मैं एक फलाना जाति का आदमी हूं, इसीलिए मुझे इंसल्ट कर रहे हैं। अरे अगर आप देश के संरक्षक करने का अधिकार लिए हैं, संविधान के तहत आप चलने का वायदा किए हैं, तो आप जात पात की बात अंदर करते हो और जात पात पे चलने की बात करते हो। अगर आपकी हालत यही है तो मेरे जैसे दलित की हालत क्या होगी? मैं जब उठता था, सदन में उठता था बात करने के लिए, आपके तरह आवाज उठाने के लिए, तो उस वक्त कभी मुझे मौका नहीं मिलता था। जब कभी भी देश में जब महिलाओं के ऊपर रेप होती है, जब कभी दलितों को कुचला जाता है, किसानों को मारा जाता है, मजदूरों को मारा जाता है और संविधान के धज्जे उड़ाए जाते हैं, उस वक्त हम खड़ा होके जब नोटिस देते हैं, नोटिस पढ़ने को भी हमको परमिशन नहीं दिए। तो मैं ये क्या कहूं कि ये बीजेपी के लोग, बीजेपी की सरकार एक दलित को बोलने नहीं देगा, ऐसा मैं कहूं? अरे ये तुम संविधान के पद पे बैठे हो और तुम रोते हो? अरे संविधान चलाओ, संविधान के तहत, डेमोक्रेसी के तहत सबको बात करने का हक है।
और वो आजादी आप छीन नहीं ले सकते। वो आजादी हमको मिली है जवाहरलाल नेहरू से, वो आजादी हमको मिली है महात्मा गांधी से, वो आजादी हमको मिली है डॉक्टर अंबेडकर से। इन्होंने तैयार करके दिया, लाखों लोग कुर्बानी करके आजादी दिलाए, और आप लोग, आपके घर में कोई एक चूहा भी नहीं गया आजादी दिलाने के लिए, है गया? और वो हमको कहते हैं देश को ये बर्बाद कर रहे अपोजिशन के लोग, देश को ये लोग यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं चलने देते, ये कहते हैं। सबको बाहर निकाले आप, सभी MPs को आपने बाहर निकाला, और सभी कानून अनअपोज्ड आपने पास कर लिया। 3 क्रिमिनल कानून ऐसे हैं, आगे आने वाले दिन में वो सारे सिटीजन्स को सताएंगे। अच्छे कानून को हम स्वागत करते हैं, किसानों के लिए भी ऐसा ही किया, मजदूरों के लिए भी ऐसे ही कानून लाए। तो इसलिए भाइयों हमको लड़ना है, और ज्यादा से ज्यादा एक होकर हमको लड़ना है। तो और आज मोदी जी हर एक को दबा रहे, हमारे कार्यकर्ताओं को जहां कहीं इलेक्शन आता है उनको ED का डर, CBI का डर, इनकम टैक्स का डर। अरे कितने डराते हो, अरे ये अपोजिशन पार्टी कांग्रेस ये डरने वाली नहीं है, झुकने वाली नहीं है। अगर आप कितनी भी कोशिश करो, आप मोदी साहब आप कितनी भी कोशिश करो हमको मिट्टी में दबाने की, हम बींज है, बार बार उठने की आदत है हमको। हम तो तुम दबाने की कोशिश करते हो तो हम उठते हैं, और देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सब एक होकर लड़ रहे हैं। मुझे खुशी है कि सारे अपोजिशन के नेता एक हो गए हैं। अब जब सब लोग एक होते हैं तब अकेला मोदी कुछ नहीं कर सकता, और मोदी जी को इतना घमंड आया है, इलेक्शन से पहले ही कहते हैं कि 400 सीट जीतेंगे। तो क्या मतलब भाई, 400 सीट जीतने का क्या है तुम्हारे पास? इतने पॉपुलर तो नहीं है, क्योंकि मैं देखा हूं जब कर्नाटक में आए, हर जगह फिरे, गली गली फिरे, हार के आए। तेलंगाना में गली गली फिरे, हार के आए। हिमाचल में गली गली फिरे, हार के आए। ऐसी क्या बात है? तो आप पहले ही कह रहे हैं मैं 400 सीट लाऊंगा। अरे आपको जो जनता आपको सत्ता में बिठाई है वो जानती है कि आपको सत्ता से कैसा बाहर निकालना, नीचे गिराना। तो इसलिए मैं इतना ही कहूंगा, आप सभी लोग यहाँ आए हैं, सभी नेताओं का भाषण सुने हैं, तो इंडिया अलायंस एक होके लड़ रही है, इसको आप साथ दीजिए, एक हो जाइए। और मैं सभी मीडिया से भी अपील करता हूं, जो सच है वो तो बताइए, जो सच है वो तो कहिए, जो सच है वो तो लिखिए। इतना ही मैं आपको कहूंगा, और आप सभी को, युवाओं को, और जो ये अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है जैसा राहुल जी ने कहा, और इन्फ्लेशन का, कीमतें बढ़ रही है, इसके बारे में हमको ज्यादा सोचना है। उस नजर से आप देखकर एक हो जाएंगे और आगे हमको पूरा सपोर्ट करेंगे। इतना कह के मेरे भाषण को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।